नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हेक्साकोनाजोल फंगिसाइड के बारे में। तो हेक्साकोनाजोल फंगिसाइड क्या है, उसके बाद इसको हम लोग कौन कौन फसल में स्प्रे कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी को नियंत्रण करता है, डोज कितना है, प्राइस कितना है, तो सब कुछ के बारे में डिटेल के साथ हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हेक्साकोनाजोल क्या है। तो हेक्साकोनाजोल एक यूनिक सिस्टमेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्राइजोल ग्रुप का फंगिसाइड है जो कि एंटी स्प्रोलेंट ट्रांसलेमिनर का काम करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारी को कंट्रोल करता है। तो ये धान में सीड ब्लाइट को कंट्रोल करता है जिसको पर्णंगमारी कहते हैं। उसके बाद आम में पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है। उसके बाद अंगूर में भी पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है, रास्ट को कंट्रोल करता है, लीफ स्पॉट को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो धान में सीड ब्लाइट को जैसे कि कैसे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात किया जाए तो पौधे की लगभग जैसे कि 30 से 35 दिन के बाद ही ये बीमारी देखने को आप लोगों को मिल जाता है। और ये बीमारी खेत में पानी के अधिक भराव के कारण होता है और खेत के जल स्तर से लगभग 30 सेंटीमीटर के ऊपर में ये बीमारी देखने को आप लोगों को मिल जाता है। उसके बाद थोड़ा अगर आम के पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे कि आम की पाउडरी मिल्ड्यू कैसे लगता है, तो इस बीमारी को फूल आने के टाइम आकाश में बादल रहने से, ये हल्की सी बारिश अगर हो जाता है तो इस टाइम में आम में पाउडरी मिल्ड्यू आप लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलता है। और अंगूर की पाउडरी मिल्ड्यू की अगर बात किया जाए तो सेम जैसे कि आम में भी ये जो बीमारी लगने का सिस्टम है वो ही सेम सिस्टम अंगूर में भी है। तो ये सब बीमारी के लिए अगर आप लोग हेक्साकोनाजोल को स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। उसके अलावा भी आप लोग लीफ स्पॉट रस्ट को भी ये अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका डोज कितना है। तो डोज की अगर बात किया जाए तो लगभग 25 से 30 ml पर पंप के हिसाब से आप लोग स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और 250 से 300 ml पर एकड़ के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब प्राइस की अगर बात किया जाए तो लगभग 500 ml का जो पैक आता है मार्केट में लगभग 350 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। और एक लीटर का जो पैक आता है वो लगभग 600 रुपये में आप लोगों को आराम से मार्केट में मिल जाएगा। अब थोड़ा रिजल्ट टाइम की अगर बात किया जाए तो 15 से 18 दिन तक आप लोगों को एक बार स्प्रे करने से रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग दोबारा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हेक्साकोनाजोल 5% SC जो आता है वो कौन कौन सी कंपनी प्रोवाइड करता है। तो ये टाटा रेलिंग्स का कॉन्टा प्लस नाम पे मार्केट में मिल जाएगा, धनुका एग्रीटेक का हेक्साधोन प्लस नाम पे मिल जाएगा, इंडोफिल कंपनी का सितारा प्लस नाम पे मिल जाएगा, हिंदुस्तान एग्रोकेमिकल कंपनी का केना प्लस नाम पे मार्केट में इतने सारे अवेलेबल मिल जाएगा। तो लगभग सभी कंपनियों के पास ये प्रोडक्ट आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये था हेक्साकोनाजोल के बारे में पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं।